आने वाले सेशन की अगर बात करें तो उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग है, अर्ली ट्वेल्थ बैचेस चालू हो रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉपर एकेडमिक ईयर चलेगा, अभी तो हम मतलब काफ़ी लेट चालू किया था, नेक्स्ट ईयर से एक प्रॉपर एकेडमिक ईयर चलेगा और वहाँ से एक बदलाव की शुरुआत है। सो फाइनली हमारे साथ अभी कोटा सेंटर है पंकज सर जुड़ चुके हैं और अब हम इनसे पूरी बातें करेंगे। ये बेसिक आप मेरे को बताइए, जैसे कि जो बच्चे अभी 2023 नीट टारगेट कर रहे हैं और 2024 वाले हैं, वो पूरे साल क्या अपना अप्रोच रखें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली ऑर्गेनिक, क्योंकि मेरे को ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ऑर्गेनिक में जो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको देख के वो पैनिक कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, तो वो कैसे उन सारी चीज़ों को टैकल करें, पूरे साल अपनी क्या स्ट्रेटजी रखें जैसे उनका 180/180 आ जाए, और क्या केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाना भी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है शॉर्ट नोट्स वाला, और ये मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम नॉर्मल क्लासेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम पूरा लिखते हैं जी सर, और जब धीमे धीमे सिलेबस बढ़ता है तो कॉपी की कॉपी भरती जाती है, तो रीजन नहीं कर सकते, इकट्ठी 5-6 कॉपी आपके पास हो जाएंगी और आपको, आप तो ये सोचो कि लास्ट का जब एक मंथ बचेगा उस समय आप क्या कर रहे होगे, ऐसी आपकी केमिस्ट्री की 6 कॉपी होंगी, 7 कॉपी होंगी, ऐसी बायोलॉजी की होंगी, उसमें भी बॉटनी जूलॉजी की होंगी, फिजिक्स की होंगी, तो इतनी कॉपियों से रिवाइज करना ना आसान काम नहीं है। अभी तो अपने को लगता है कि सब लिख लो अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हम एक्चुअल में क्या होता है ना, प्रेजेंट के साथ साथ थोड़ा फ्यूचर के बारे में भी हमें सोचना पड़ता है कि आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब हमारा एग्जाम का एक मंथ बचा होगा उस टाइम पर हमारे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम क्विक रिविजन कर पाएं, इसी के लिए शॉर्ट नोट्स होते हैं। और शॉर्ट नोट्स अपने ही लैंग्वेज में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, मैं बच्चों को हमेशा बताता रहता हूँ, शॉर्ट नोट्स में आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं जल्दी समझने के लिए, है ना, आप ब्लॉक डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, आप माइंड मैप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी ना आपको बुकिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती है। जैसे अगर सपोज किसी से बोला जाए कि भाई तुमने कोई एक बुक 10 दिन तक पढ़ रखी है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके कि उसको बहुत सारा याद ना हो, लेकिन अगर बोला जाए कि किसी ने एक गाना 10 दिन तक सुन रखा है लगातार लूप में, तो वो गाना पूरा का पूरा गा देता है, है ना। तो मतलब वही चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हो, है ना, शॉर्ट नोट्स को बनाओ, उसको रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, कई बच्चों को फिजिकल पे कॉन्फिडेंस होता है, ऑर्गेनिक पे नहीं होता, क्योंकि तीनों सेगमेंट अलग अलग हैं, आपको तीनों की अप्रोच सेम नहीं रखनी, सेम अप्रोच से ना तो फिजिकल, ना ही ऑर्गेनिक, ना ही इनऑर्गेनिक सॉल्व की जा सकती है, तीनों की एक डिफरेंट अप्रोच है। फिजिकल में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना, जिसमें आप फॉर्मूला याद करते हो, उसको अप्लाई करते हो, उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीखते हो। ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच चलना पड़ता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग होना, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट वगैरह हो गया, तो इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं उसको पहले से आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, तब जाके आप उसको अगले चैप्टर में यूज़ कर पाते हो। तो ऑर्गेनिक में एक अप्रोच होती है कि जिसमें शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक में बहुत जरूरी हैं शॉर्ट नोट्स, है ना, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है ना, तो इसलिए ऑर्गेनिक में जरूर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएं। और मतलब 2 पेज का अगर है, कोई 2 पेज लिखे हुए हैं तो उसको आधे पेज में कन्वर्ट करने की आप टेक्निक डेवलप करें, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि हमें इतना जरूरत है, इतने से सवाल बन जाता है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, इनऑर्गेनिक में प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन से ही आता है, है ना, बस उसमें क्या है, एनसीईआरटी में जितनी थ्योरी दी रखी है उसको एक बार रीड कर लें, लेकिन उसकी जो रिएक्शंस वाला पार्ट है वो जरूर करें। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना, और केमिकल बॉन्डिंग के लिए पीरियड टेबल थोड़ी लगती है, तो पीरियड टेबल भी आप प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इनऑर्गेनिक अच्छा कर देंगे आपका। मतलब बेसिक वही है कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर होता है इनऑर्गेनिक में, अगर आपको बहुत अच्छा करना है तो। बाकी ब्लॉक केमिस्ट्री हो गया, मेटलर्जी हो गया, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइनें उठकर आती हैं, डायरेक्ट रिएक्शन उठ के आती है, है ना, ये अप्रोच होनी चाहिए सर। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं नीट के बारे में। तो जैसा आप सभी को पता है कि एनटीए ने नीट की डेट रिलीज कर दी है, विच इज़ ऑन 7th of May, और अभी बहुत से बच्चे पैनिक कर रहे हैं बिकॉज उनका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है, बहुत से लोगों का बैकलॉग कवर है, और बहुत से लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, या बहुत लोग गिवअप कर चुके हैं। सो डोंट वरी, BW लेके आया आपके लिए नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स, जहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के कोर्सेज को लिमिटेड टाइम में फुल सिलेबस को कवर कराया जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिससे आप अपनी क्वेश्चन प्रॉब्लम, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको इस DPP के सॉल्यूशन लेक्चर के बाद प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको लेक्चर्स के PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। और ये जो नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, ये स्टार्ट हो रहा है 26th of December से, और इसकी जो क्लासेस है वो वीक में 6 डेज चलेंगी, यानी मंडे से सैटरडे तक।
PW ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है अपने बुक और स्टडी मटेरियल फॉर नीट एस्पिरेंट्स, जहां पे आपको बुक में क्रिस्प थ्योरीज, शॉर्ट नोट्स एंड नीट के पास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। और इस बुक में आपको अप्रॉक्सिमेटली 10,600 क्वेश्चंस मिल जाते हैं विद कंप्लीट सिलेबस, जो कि आपकी प्रिपरेशन को करेंगे बूस्टअप। तो इस बुक का जो प्राइस है वो है 2,000 रुपीज, बट सिर्फ आप लोगों के लिए इस बुक का प्राइस है 1,300 रुपीज टिल 31st of December। तो जल्दी जाके 31st of December तक आप ये खरीद लीजिए, बिकॉज उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। सो गाइस, अब बात करते हैं बैच की, विच इज नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स। तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है 1,799 रुपीज में। और हाँ, इसके साथ साथ आपको इस बैच के अंदर शेड्यूल्ड टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे और आपकी कॉन्फिडेंस को भी बूस्टअप करेंगे। तो इस बैच को खरीदने के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक से जाइए और यूज करिए मेरा कूपन कोड ABH150 और आपको यहाँ पे 150 रुपीज का और भी डिस्काउंट मिलेगा। तो हाँ, ये ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्दी जाइए और इस बैच को परचेस करिए सर। एंड सर, ये जो क्वेश्चन था, मतलब इसके बाद ये बहुत, मतलब ज़्यादातर लोगों का, मोस्ट जितने भी प्रिपरेशन में होते हैं, सबको ये चीज़ फेस करते हैं, बैकलॉग सर। ठीक है, और क्या होता है कि धीरे धीरे करके किसी रीज़न से, पर्टिकुलर रीज़न से, किसी का कुछ भी हो सकता है, तो उससे बैकलॉग इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में गया और फाइनली बीच में आके क्विट कर दिए अपने जो भी प्रिपरेशन के फेस को है। तो सर, उसको कैसे बैकलॉग को ना आने दें और जिनका आ गया है वो क्या करें ताकि अपनी प्रिपरेशन को आगे फिर जारी रखें? मैं हमेशा बोलता हूँ, बच्चों को भी बोलता हूँ कि बैकलॉग आने ही मत दो स्टार्टिंग से, ऐसा रखो। और वैसे भी लॉजिकली बैकलॉग वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है अगर देखा जाए तो। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? मान लो आपके पास 10 चैप्टर हैं और आप 5वां चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आगे के आने वाले 5 चैप्टर आपके बैकलॉग ही हैं, वो बस वो आपने पढ़े नहीं है। आप बैकलॉग उसको बोलते हो कि जो 5 चैप्टर हुए उसमें से आपका एक आध चैप्टर पीछे का रह गया, मान लो 4th चैप्टर आपका रह गया, आप बोलने लगते हो बैकलॉग। आप ये मान के चलो कि आपके 6 चैप्टर बचे, तो एक्चुअल में बस वो बाकी लोगों ने पढ़ लिए, आपने नहीं पढ़े, तो आपको लगता है कि वो बैकलॉग हो गया। उससे हम बहुत घबराने लगते हैं, भाई आगे के 5 चैप्टर भी नहीं पढ़े किसी ने, उसको बैकलॉग नहीं बोलते, है ना। तो ये समझ लो ना कि आपके पास 1 चैप्टर और एक्स्ट्रा है, उसको भी करना है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि प्रीवियस चैप्टर का आगे आने वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंस होता है, तो प्रीवियस चैप्टर की वो चीज़ें आप पढ़ लें जो आगे यूज़ हों। अब जैसे मैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला चैप्टर अगर बच्चों को पता है तो मैं बताता हूँ, उसमें आता है SN1 रिएक्शन। अब वहाँ क्या लगता है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो आप GOC से स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ लो, अगर आपका GOC पूरा छूट गया तो उतना पोर्शन पढ़ के आप उस चैप्टर को क्यों खराब, मतलब बचा सकते हो ना, क्यों खराब कर रहे हो? हाँ, तो बैकलॉग में ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब ए से लेकर जेड तक कवर करो। बैकलॉग में आप पीछे की वो चीजें कवर करो जिससे आगे की आने वाली चीजें आपकी खराब ना हो, बाकी धीमे धीमे बाकी चीजें भी कवर करना है, लेकिन पीछे चैप्टर की वो चीज जो आगे वाले चैप्टर में यूज हो रही हो उसको सबसे पहले बैकलॉग में कवर करना चाहिए, है ना। और ऐसा कुछ बैकलॉग बैकलॉग मत बोला करो, बहुत गंदा वर्ड है बैकलॉग, डर लगने लगता है इससे, है ही नहीं बैकलॉग जैसी कोई चीज ही नहीं है। पीछे का कुछ छूट गया था, हमने पढ़ लिया, सही हो गया, क्या बैकलॉग, डर क्यों रहे होता है? सही बात है सर। एंड सर, जो बच्चे अभी इस साल कोटा में हैं और जो आने वाले हैं, अब इसमें भी मेरे को इसमें एक क्वेश्चन आया कि होम सिकनेस की प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि इतने सालों बाद वो घर पे रहे, स्कूल में पढ़े, फिर सडनली यहाँ पे शिफ्ट करना, तो उसमें क्या होता है बच्चे का 2-3 महीना वो कहीं ना कहीं उसका माइंड यहाँ पे है लेकिन प्रेजेंस कहीं और है। तो सर, वो होम सिकनेस को मतलब बच्चे कैसे दूर करें? ये ज़्यादातर लोगों का भी ये भी प्रॉब्लम था कि अकेले हॉस्टल में रहने में प्रॉब्लम हो रहा है वगैरह वगैरह। नहीं, देखो, सबसे पहली बात तो होम सिकनेस आपको अपने ख़त्म ही करनी पड़ेगी। क्यों? जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं और जितने भी लोग कुछ अच्छा चेंज कर रहे हैं सोसाइटी में, कुछ चेंज ला रहे हैं, वो बाहर जाके ही ला पाए हैं। ऐसा कभी नहीं रहा है कि व्यक्ति घर पे बैठा रहे और सारा का सारा जो है उसने सब बदल दिया, जो दुनिया बदल दी। आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई लोगों से मिलोगे, सोसाइटी को समझोगे, तो भाई इंटरेक्ट करोगे तभी तो चीज़ें बदलेंगी, तभी आप भी सीखोगे। घर में बैठ के आप नहीं सीख पाओगे, बाहर निकलोगे तभी सीखोगे। और जब हम बात कर रहे हैं JEE की, नीट की, तो आपको सिलेक्ट होके कॉलेज में जाना है, तो होम सिकनेस जैसी चीज़ कोई बचेगी नहीं। कॉलेज में जब तुम पहुंचोगे ना 1st year 2nd year में, उसके बाद होम भूल जाओगे, वहीं रहने लगोगे और क्या। तो इसको अभी से ही आप अपने अंदर बना लो कि यार देखो, एक बार अगर आप घर के बाहर निकल गए ना, इसका मतलब अब आपको घर वापस लौट के नहीं जाना, बस आपको घर की याद आएगी, घर वापस जा ही नहीं पाओगे। दुनिया बहुत खतरनाक है, घर बाहर घर वापस ही नहीं जा पाओगे, इस दुनिया के माया जाल में ऐसे फंसे रहोगे। भाई तैयारी कर रहे हो, तैयारी के बाद सेलेक्ट हो गए, कॉलेज में जाओगे, वहाँ अपना पैशन फॉलो करोगे, भाई जो तुम्हें फ्यूचर बनाना है, जिसमें करियर बनाना है, वह प्लेसमेंट में लगे रहोगे। तो आप ये समझ लो कि जिंदगी की भाग दौड़ है, होम सिकनेस जैसी चीज़ मत आने दो,
हाँ मैं मानता हूँ कि भाई जब नए नए बच्चे आते हैं, घर से निकलते हैं, घर पे उनका एक सिस्टम सेट रहता है, सुबह सुबह बढ़िया चाय मिलती है, पराठे मिलते हैं, हाँ और क्या सब बैठे बैठे मिलता है, फिर यहाँ आते हैं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो ये समझ लो कि अब तुमने धीमे धीमे अब तुम्हारा संघर्ष यहाँ से स्टार्ट हो गया है और अभी आगे चलेगा, ठीक है। हाँ और क्या, और ये तो अच्छी चीज़ है कि 11th 12th में बच्चों को मतलब बाहर निकलने का मौका मिलता है यहाँ पे, हाँ और क्या। तो ये याद लोगों तो मिलते भी नहीं। हाँ तो बस ये है कि इस जिम्मेदारी को उठाओ ठीक है और आगे बढ़ो जी। हाँ सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जब मैं यहाँ पे आया था तो जब हम लोग इंटरेक्ट कर रहे थे तो हम लोग मतलब एक ऐसे सर्वे टाइप से भी कर सकते कर रहे थे कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, तो मतलब हर दूसरा बच्चा PW ऐसे कर रहा है ठीक है। तो सर और इंस्टीट्यूट से कैसे PW डिफरेंट है कि मतलब ज़्यादातर बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, और यहाँ तक कि मेरे को तो ऐसे ऐसा कमेंट अभी आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन कब से होने वाला है, क्या डेट है और कब एडमिशन होगा, कैसे क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो अब मेरे को तो नहीं पता क्योंकि, तो सर उसमें आप क्या बताना चाहेंगे मतलब क्यों बेस्ट है और अब जो आने वाले बच्चे हैं उनका क्या आपके पास क्या डाटा है रजिस्ट्रेशन का अगले साल के लिए। सर देखा जाए तो मतलब मेरी राय पूछो तो देखो सभी बेस्ट हैं, सभी लोग पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है, है ना। बस ये है कि हमारे यहाँ पर जहाँ तक मैं कोटा की बात करूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बच्चों के लिए हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। मतलब यहाँ मतलब मैनेजमेंट में टीम आप देखो, SWS की टीम देखो, बच्चों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ये। और बस यही होता है कि बच्चों का जो भी कंसर्न है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, है ना। और दूसरा ये कि आने वाले सेशन की अगर बात करें तो उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग है, अर्ली 12th बैचेस चालू हो रहे हैं ठीक है, एक प्रॉपर एकेडमिक ईयर चलेगा, अभी तो हम मतलब काफ़ी लेट चालू किया था, नेक्स्ट ईयर से एक प्रॉपर एकेडमिक ईयर चलेगा और वहाँ से एक बदलाव की शुरुआत है, वो 16 जनवरी से होने वाली है। अच्छा। जब अर्ली 12th हमारा पहला बैच पूरा फुल सेशन वाला चालू होगा। अच्छा। वहाँ से चेंजेस जो होंगे तो वो अलग ही लेवल पे जाएंगे। इन्फॉर्मेशन को वेबसाइट पे तो मिल जाएगा। हाँ बच्चों को तो पता चल जाएगा। हाँ। अभी लॉन्च वगैरह हो जाएगा जी सर। हाँ क्योंकि उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग 3 महीने पहले से ही चल रही है। जनवरी में कोई बैच आ रहा है उसकी नवंबर से प्लानिंग चल रही है कि कैसे करना है, क्या लेक्चर प्लानर होना चाहिए, क्या टेस्ट प्लानर होना चाहिए, क्या AITS होनी चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें अब जो है एक एक समझ लो कि पैकेट के फॉर्म में बच्चों को मिलने वाली है। मज़ा आएगा। एंड सर आप अगर बोलो तो एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ मैं। सर ये होता क्या है कि बहुत से बच्चे ओवर थिंक करते हैं आने के बाद यहाँ पे ठीक है, वो पढ़ रहे हैं उनकी थिंकिंग कहीं और है और उस चक्कर में टाइम भी वेस्ट होता है, या जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि प्रिपरेशन के टाइम पे बच्चा समझने लगता है कि मेरा निकल गया, मैं IIT JEE NEET के कॉलेज में हूँ, हुआ नहीं है अभी, और वो उसमें टाइम वेस्ट कर रहा है, वो एक तरह से टाइम वेस्ट है, 6 घंटे 7 घंटे आप दोस्तों के साथ बात करना कि मैं यहाँ चला जाऊँगा तो इस IIT में ये है वो है, तो सर और ओवर थिंकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट। जैसे कुछ लोग हैं जिनके फैमिली में कुछ चल रहा होता है, वो कोटा में है तो उनका दिमाग वहाँ है ठीक है, और वो ओवर थिंक करने लगते हैं कि अब क्या हो रहा होगा, या मतलब उनका मतलब कुल मिला के पढ़ने में मन नहीं होता वहाँ पे, और फिर वो टाइम वेस्ट करके लास्ट में गिल्ट में चले जाते हैं और उससे भी उनको एक डिप्रेशन का फेस मतलब वहाँ पे टैकल करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो सर वो ओवर थिंक से कैसे वो बाहर आ सकते हैं। देखो मेन चीज़ क्या है, थोड़ी थोड़ी ओवर थिंकिंग चलती है, लिटिल अमाउंट होता है कि यार आप सोचो कि हाँ यार मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, ये करूंगा। हाँ लेकिन ये नहीं कि आप उसमें घंटों ख़राब कर दो। ठीक है जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बीच में कुछ ब्रेक लेते होगे 10 मिनट का 15 मिनट का, आप उसमें वो सब कर लो, फिर वापस ट्रैक पे आ जाओ। अल्टीमेटली आप ये याद रखो कि आप जितने भी स्लॉट पढ़ाई वाले बना रहे हो ना उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सोचने के लिए तो देखो यार ह्यूमन है, इंसान कुछ भी सोचता है, उसमें मतलब वो नहीं हो सकता। बस ये है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करके रखो कि जितना टाइम मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उस समय मुझे कोई थॉट नहीं आना चाहिए, और इंसान इतना कैपेबल होता है कि अगर वो ठान ले कि नहीं मुझे पढ़ना है तो वो पढ़ना चालू कर देगा। इतना कैपेबल है, इतनी बुद्धि तेज होती सभी लोगों की, एक बार अगर अंदर सोच लिया ना, दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मुझे पढ़ना है तो पढ़ाई चालू हो जाएगी। ठीक, और जो भी मतलब होता है कई बच्चे 5 घंटे 6 घंटे बातों में ही खराब कर देते हैं, दोस्तों में ही खराब कर देते हैं, वो बाद में क्या है तुम्हें खुद ही रिग्रेट होगा, इससे अच्छा है कि पहले ही समझ जाओ भाई हम लोग आपको बोल रहे हैं तो उसी से ही कुछ कान में बात जारी होगी तुम्हारे, तो उससे ही सीख लो। समय बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम आप कर सकते हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बीच में 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक है उस समय, और वो माइंड फ्रेश करने के लिए होता है या वो मोटिवेशन के लिए होता है। ठीक है, वो आप कर सकते हो, बस ये है कि बहुत लंबे समय तक ना पढ़ाई रहो कि 5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आप बातों में ही खराब कर रहे हो, है ना। तो ये ध्यान रखो, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, बस सबसे बड़ी चीज़ वही है, कंसिस्टेंसी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, है ना भाई। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 2 ही घंटे पढ़े, तो इसका कोई मतलब नहीं है, डेली बराबर पढ़ो, कंसिस्टेंसी से
थोड़ा मोनोटोनस हो जाती है जिंदगी, लेकिन आप ये मान के चलो कि वही जिंदगी आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, है ना। सो थैंक यू सर, आप अपना टाइम देने के लिए तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आई होप अब बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की और जितने आपकी मेन मेन चीज़ें थी वो जरूर सॉल्व हो गई होंगी। एंड सर से भी बात करके बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। एंड ठीक है फिर, थैंक यू सो मच गाइस।